बहुत सुंदर भाई। मित्रों हमारे ऊपर आरोप लगा, एक दादरी में कांड हो जाता है, लोग कहते हैं कि 100 करोड़ हिंदू असहिष्णु हो गए। मित्रों हम कभी असहिष्णु नहीं थे, हम सदा से सहिष्णु थे, हम सहिष्णु हैं, हम भविष्य में भी सहिष्णु रहेंगे। 14 बार मोहम्मद गौरी ने 14 बार सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, पुजारी ने उसे हाथ नहीं लगाया, हमसे बड़ा सहिष्णु कौन है। हम इस बार में इस देश को 18 बार बटवा के भी हम कौमी एकता की बात करते तो हमारे जितना सहिष्णु कौन है, हमारे जितना एकतावान कौन है। वहां से बात उठाता हूँ, आप अपनी तालियां उठाना कि पाप कभी नहीं करते हैं हम, सदा पाप से डरते हैं। कौन लोग हैं हम, क्या लोग हैं हम कि पाप कभी नहीं करते हैं हम, सदा पाप से डरते हैं। तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं, रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं, बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं, बड़े बड़े उपहासों को भी अब यूं ही सह जाते हैं कि ताकत के बल पर हमने किसे सताया ये बोलो, अरे तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो, अरे जेहादी जो मेल था उसको हमने साफ किया था जी, अरे जेहादी तालियां उठाना कि जेहादी जो मेल था उसको हमने साफ किया था जी, अरे 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। क्या बात है बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी, मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता। मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता ये भारत बांटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता गुरुओं पर वार नहीं होते, भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता। बहुत बढ़िया भाई। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलहारे में भगवा आतंकी ना कहता, मैं यदि सहिष्णु ना होता, मैं यदि सहिष्णु ना होता कि मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलियारे में भगवा आतंकी ना कहता, मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता, मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। अरे लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, लगता है, अरे लगता, एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ कि लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे, कि लगता है, कि लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे, ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। अब बताता हूं मित्रों क्या चीज काम में आती है, हम इस अहंकार में रह गए, हमने वेद लिख दिए, हम इस अहंकार में रह गए, सत्य सनातन धर्म बहुत प्राचीन है उसको कोई नहीं मिटा सकता, हम इस अहंकार में रह गए कि इस हिंदुस्तान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। मित्रों क्या चीज काम में आती है, मैं आपको बताता हूँ कि ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है, ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है, जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। 1200 साल गुलाम हम इसलिए नहीं रहे कि हमारे पास अहिंसा थी, 1200 साल गुलाम हम इसलिए रहे क्योंकि हमारे पास अहिंसा थी, उनके पास हथियार थे। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है, जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, 10-20 हजार लोग नहीं सर, 7 लाख लोग, 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, अरे तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए, माँ को काटा बहन को लूटा वो चुपचाप खड़े रहे, कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे, अरे पंडितों सागर से
होता, अरे पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, पाक का झंडा ना होता, पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। सच्चाई का शीशा लेकर कब सच्चाई खोलेंगे? एक कड़वी बात कहता हूं उन दिल्ली के लोगों से, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए सारे समन्वय नगर। सच्चाई का शीशा लेकर कब सच्चाई खोलेंगे? डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में कब दिल्ली वाले बोलेंगे? डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में कब दिल्ली वाले बोलेंगे? बहुत सुंदर। डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में कब दिल्ली वाले बोलेंगे? और सत्ता पैसा